नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मंथन में आपका स्वागत है। बीते दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और सिर्फ एक राज्य में ही अपनी सरकार बना पाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और इस तरह के चुनाव परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के साथ जाने के अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करें अगर तो गठबंधन में दरार आ चुकी है, लेकिन खुली जुबान से कोई ये बात कह नहीं पा रहा। कांग्रेस ने मंथन का दौर कांग्रेस में चल रहा है तो विपक्ष के कई नेताओं ने कल हुई इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना ली है। अलग अलग कारणों से कई दूसरी पार्टियों के नेताओं ने बैठक से दूरी बना ली। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 के पहले ही 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन में दरार गहरी हो चुकी है? क्या 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से दूसरे दलों के नेता अब कांग्रेस से 2024 के लिए दूरी बना रहे हैं? मंथन में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक हुई है और ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई है। उन्होंने नेताओं को डिनर पर बुलाया था। बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई थी और ये करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में 17 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इसमें ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। हालांकि अपनी अपनी दलीलें सामने आई और इसका कारण भी सामने नहीं आया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिया गठबंधन की एक बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी, जिसमें विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों समेत शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए संसद में कोऑर्डिनेशन में यानी कि समन्वय में सुधार के कदमों पर चर्चा हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि जल्द ही गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी और ये बैठक ऐसे समय में हुई जब संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की ये मीटिंग इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये बीजेपी के 3 हिंदी भाषी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में जीतने के बाद हुई है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में जीती। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 3 हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर घमासान मच गया है क्योंकि सीट बंटवारे में अनदेखी से नाराज समाजवादी पार्टी ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है और शिवसेना उद्धव, बालासाहेब ठाकरे यानी कि जेडीयू और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के नेताओं के मुताबिक जब क्षेत्रीय सहयोगियों की बात आती है तो कांग्रेस को ज्यादा मिलनसार होना चाहिए और ऐसे में सवाल है कि क्या 3 राज्यों में मिली हार से गठबंधन में आई दरार बढ़ाई है? लोकसभा और राज्यसभा के इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी जो हर दिन सवेरे हम लोग मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, वो आज मीटिंग करने वो हो नहीं पाई थी तो इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। LOP मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। बहुत सारे इश्यूज पार्लियामेंट के डिस्कस हुए, बिल्स जो अपकमिंग बिल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ, सरकार के रवैये के बारे में डिस्कस हुआ और दूसरे भी बहुत सारी बात हुई। उसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग, जो लीडर्स की मीटिंग है, वो लीडर्स की मीटिंग का भी डेट 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस कर देंगे। टीएमसी और वो पहले ही बोल दिए थे आ नहीं पाएंगे आज की मीटिंग में। हर दिन होता है कि कोई एक पार्टी, दो पार्टी, कोई ना कोई मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं। वो आज पहले ही एक्सक्यूज बोल दिए थे आ नहीं पाएंगे दोनों पार्टी से, बट मेरे ख्याल से 17-18 पार्टीज मौजूद थे। सारे पार्टी जो हर दिन आते हैं वो मौजूद थे, 2 पार्टीज आ नहीं पाते करके पहले ही उन्होंने बोल दिया था। तो विपक्षी अलायंस में तकरार की स्थिति और लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी अलायंस में क्या दरार आ चुकी है ये मान लिया जाए क्योंकि 3 राज्यों के जो रिजल्ट सामने आए और साथ ही मीटिंग पे मीटिंग का दौर
6 दिसंबर को मीटिंग होनी थी जो कि रद्द कर दी गई। इसके बाद अब आगे की मीटिंग 17 दिसंबर निर्धारित की गई है। अब इसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे इसमें भी संशय जो है बरकरार है। साथ ही 3 राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और यहां पर मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि सीएम किससे बनाया जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की, हालांकि रेड्डी को वहां का सीएम चुन लिया गया है, उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। और अब इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आ रही है कि विपक्षी अलायंस के बीच आखिर इतना मतभेद होता हुआ क्यों नजर आ रहा है। साथ ही चाहे नीतीश कुमार का जिक्र करें, उन्होंने अपनी दलील दे दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अखिलेश यादव का जिक्र करें, अरविंद केजरीवाल के भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने को लेकर संशय बरकरार था। एमके स्टालिन का जिक्र करें, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है उसका हवाला देते हुए नजर आए। ममता बनर्जी की अपनी दलील सामने आई, लेकिन असल मायने में इन राजनीतिक दलों की मंशा क्या है, क्योंकि 3 राज्यों में जो हार का सामना करना पड़ा उसको लेकर कई तरीके के आरोप भी निकलकर सामने आए हैं। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं प्रेम नारायण जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरधर शर्मा जी हैं एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र यादव जी हैं बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से ही, क्योंकि विपक्षी अलायंस और जिस तरीके से अभी 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, सीएम को लेकर लगातार देखा जाए तो चिंतन और मंथन किया जा रहा है क्योंकि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में जीत हासिल की। अब विपक्षी जो मतभेद यहाँ पर नजर आ रहा है इस बैठक में इन नेताओं का ना पहुंचना क्या माना जाए, प्रेम नारायण जी? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमें आपके माध्यम से पता चल रहा है कि मतभेद है है ना, क्योंकि मतभेद हमारे बीच में कई कुछ मतभेद नहीं है। चेन्नई में जो चक्रवाती तूफान आया वो उन्होंने कहा उसका हवाला देते हुए बचते नजर आए, ऐसा नहीं है। एक सामान्य सी कोई बैठक नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, सामान्य सी चर्चा जो लोग वहां उपस्थित थे उनके साथ बैठ के चर्चा हुई, मीटिंग विधिवत डेट अनाउंस हुई, उसके बाद उस मीटिंग में जब उसमें मीटिंग होगी उसमें सब लोग बैठेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज मतभेद और ये सब चीज है कहीं नहीं है, पहले से सारा कुछ क्लियर है, सारा कुछ पटल पर है। नवजीत के बाद मंथन होता है, मंथन हो रहा है, हमारी पार्टी में भी मंथन हो रहा है, जो लोग जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़े हैं उन्होंने अपना मंथन कर रहे हैं, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो इसमें कोई अब चैनल के माध्यम से हमें जैसे जानकारी मिली कि भाई मतभेद है तो ये आपको ज्यादा बेहतर जानकारी होगी, हमारे हमारे इंडिया परिवार में कहीं कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विपक्षी अलायंस में किचकिच चल रही है, क्योंकि अगर कोई मीटिंग होती है आला कमान के जरिए निर्धारित की जाती है और वहां पर जो मुख्य दल अगर अलायंस है तो उस मीटिंग में एक भागीदारी होनी चाहिए जो कि यहां पर नहीं होती हुई नजर आई। आखिर ये सामंजस्य क्यों बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं जी। सामान्य संवाद जैसे सत्र चल रहा है तो जो नेतागण वहां मौजूद है वो साथ में अगर बैठ लिए तो ये औपचारिक बैठक है, मीटिंग नहीं है विधिवत। विधिवत मीटिंग जब होगी आपको भी जानकारी मिलेगी और उसमें सारे लोग प्रतिभाग करेंगे, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई है ही नहीं स्थिति। अब सत्र में अगर कहीं समस्या, चेन्नई में अभी आपदा आई हुई है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, वहां के लोग अगर दिल्ली उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो साइड में हो रहे हैं। सारे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस बात को आप नहीं मान रहे अच्छी बात है, लेकिन 2024 के लिए समाजवादी पार्टी और टीएमसी का अगर जिक्र करें, ममता बनर्जी का, तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर अगर मत बनता है तो जाहिर सी बात है 2024 की राह आसान हो जाएगी, बीजेपी को हराया जा सकता है? नहीं,
नहीं तो सीट शेयरिंग पे तो अभी कोई बात ही नहीं हुई कमेटी। देखिए इंडिया परिवार में ये एक ऐसा गठबंधन नहीं है जहाँ किसी की बात ना सुनी जाए या कोई कितनी मनमानी कर दे या क्या। देखिए आवाज वहां होती है जहाँ जिंदगियां होती है, जहाँ लोग जिंदा होते हैं वो अपनी बात करते हैं, बात रखते हैं। अगर हम दूसरे गठबंधन की बात करें तो उस गठबंधन में ये आता है कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने गठबंधन है, जिन दलों ने उनके साथ गठबंधन किया, धीरे धीरे करके उनके वजूद समाप्त होते जा रहे हैं, सब खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां किसी की सुनी तो जाती नहीं है। इंडिया परिवार एक लोकतांत्रिक परिवार है जहाँ कोई ना वरिष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है, सारे लोग बराबर है। सीट या जो भी होगी हमारा परिवार है जो उसमें कार्य समिति है वो बैठेगी, वो सारी चीजें तय करेगी, सबकी जिम्मेदारियां होगी, सबकी हिस्सेदारियां होगी, कहां किसको क्या स्थान मिलना है ये बोर्ड तय करेगा, ये समिति तय करेगी। सारे पार्टियों के आला कमान जो नेतृत्व करता है, जो अध्यक्ष है या उन्होंने जिनको प्रतिनिधित्व के लिए चुना वो लोग बैठेंगे, वहां तय किया जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। ममता जी भी अगर कुछ कह रही है, अखिलेश जी कहेंगे, केजरीवाल जी कहेंगे, या जो लोग भी परिवार में है, बात तो सभी की बनती, सभी लोग कहेंगे, और उसके बाद में जब कहेंगे नहीं तो मंथन किस बात पे होगा, जब मंथन नहीं होगा तो निष्कर्ष किस बात पे निकलेगा। चलिए तो फिलहाल आरोप भी कांग्रेस को लेकर, अगर विपक्षी अलायंस है और यहाँ पर हार की जिम्मेदारी को लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव जी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, हैदर अली जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र यादव जी का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, हालांकि ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि विपक्षी अलायंस में किचकिच चल रही है, चाहे वो देखा जाए वोट बैंक शेयरिंग को लेकर हो, विधानसभा का रिजल्ट आपके सामने है, और चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो। अनम्यूट कर लीजिएगा देवेंद्र जी। हेलो जी, सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने इतना स्पष्ट बहुमत दिया। जो विपक्ष की सारी योजनाएं थी वो धरी की धरी रह गई, और आज देश का और जनता का जो एक विश्वास है वो विकास की तरफ है। जो पहले की बातें होती थी, झूठ की बात होती थी, या किसी को कुछ एक थोड़ा सा जो कुछ बोलता था उसको बहलाने का बर्ग लाने का काम करते थे, वो आज बिल्कुल जनता ने स्पष्ट कर दिया है। और विपक्ष को आप देखेंगे कभी भी एकजुट नहीं रहा है, इनका केवल एक स्वार्थ के लिए गठबंधन हुआ है। चाहे वैसे लड़ते रहे लेकिन जब इन्हें अवसर की तलाश होती है तब एक उस पे आके ठग बंधन की तरह एक अपना गठबंधन चलाते हैं, जिसको जनता ने पूरी तरीके से बिल्कुल उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। बिल्कुल, हालांकि ये बात अलग है, प्रेम नारायण जी इस बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस पर हार पर मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन विपक्षी अलायंस में ऐसी तकरार की स्थितियां बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, हैदर अली जी का रुख कर लेते हैं। हैदर अली जी, क्या कुछ नजर आ रहा है विपक्षी अलायंस को लेकर? अनम्यूट करिएगा। हैदर अली जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लें। नहीं, वो अनम्यूट है, शायद ईयरफोन सही नहीं लगे होने के कारण आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, हैदर अली जी आपकी आवाज फिलहाल नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करेंगे, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है। हमारे साथ राजनीति का विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह राजू जी। ये जो राजनीति समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट और इसके बाद अंदर खाने, अगर विपक्षी अलायंस का जिक्र करें तो यहाँ अपनों ने ही तलवारें भांजने का काम शुरू कर दिया है या आरोप लगाने का काम शुरू कर दिया है। नहीं, आपकी बात सोनी जी ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसके बाद समीकरण के हिसाब से अपने अपने को जोड़ना, ये निश्चित तौर पर है कि जो अभी जो तीन राज्य हैं और उसके बाद दो राज्य और थे, इन तीन राज्यों में कोई बहुत ज्यादा, इन गठबंधन पार्टियों का कोई बहुत ज्यादा अगर आप जोड़ेंगी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने शायद 28 गठबंधन में की पार्टियां हैं, और जो इंडिया
गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, ये तो शुरू से ही आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी का विचार अपने आप अलग आता रहा। और जो सबसे बड़ा था कि कांग्रेस ने हर जगह अपना एक एजेंडा बना लिया था कि हर जगह जातिगत जनगणना के आधार पर हर मंच पर इनको सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। तो सबसे बड़ी समझ में बात हमारे यहाँ रही है, इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को वोट तो बहुत अच्छा मिला, 4,90,69,462 करीब वोट इनको मिला है, और भाजपा को मिला है 4,81,29,325। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 लाख से अधिक वोट पाने के बाद भी कांग्रेस अपने संतुलन को बना नहीं पाई। और 3 राज्यों में तो आप देख रहे हैं स्थिति क्या है, एक राज्य में उनकी सरकार बनी और वहां पर क्षेत्रीय दल है। अब छत्तीसगढ़ में ये बात सही थी कि अगर निश्चित तौर पर शुरू से ही ये बातें चल रही थी, इतने बड़े परिवार को लेकर के चला, अगर इन दलों को थोड़ा बहुत अगर साधा होता, जैसे समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें मांग रहे को बढ़ा करके बातचीत राहुल गांधी जी या सोनिया जी या प्रियंका गांधी जी ने की होती, तो तमाम बातें जो मीडिया में आती है, सोशल मीडिया में आती है, उन सब चीजों में उन्होंने पूरा का पूरा जो है निर्णय कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को छोड़ दिया। अब ये बात सही है, कांग्रेस में जो मैंने देखा कि आज के दौर में जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस में वो है, ये निश्चित तौर पर लगातार उनकी विपक्ष की पार्टियां उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की एक पार्टी है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, वो टोटल वोट आपने देखा होगा कन्वर्ट होकर चला गया बीजेपी में। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य इसी तरीके से राजस्थान में है, भारत आदिवासी पार्टी वाले लोग लगातार कांग्रेस में हम देख रहे थे समन्वय समाज की बात आ रही, लेकिन वो भी बीजेपी के साथ चले गए। तो बीजेपी जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर के और जो इनके आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अगर खड़गे जी ने कुछ बोल दिया तो मोदी जी ने उस चीज को मना किया कि भाई आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने पिछड़े की बात की, उन्होंने आपने देखा कन्हैया लाल को सामने लाए, लाइन ऑर्डर की बात आपने देखा होगा कि लाइन ऑर्डर पे बहुत ज्यादा फोकस गठबंधन पार्टियों ने नहीं किया, लेकिन ये निश्चित तौर पर है। कल भी आपने देखा कि सदन में अमेंडमेंट बिल आ गया, 24 सीटें जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई, आरक्षण और पिछड़े लोगों को आरक्षण मिला। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसीलिए देखा जाए तो ममता बनर्जी इस बात का जिक्र करती हुई नजर आई कि ये ध्रुवीकरण के वोटों का ध्रुवीकरण किया गया, बीजेपी को इसका फायदा मिला और कांग्रेस में लीडरशिप की कमी नजर आई और इसीलिए ये हार का सामना करना पड़ा। तो विपक्षी अलायंस में होने के बाद जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनका इस तरीके का बयान निकल कर सामने आता है, तो आगे क्या कुछ आसार नजर आ रहे हैं? जातिगत जनगणना के कारण जो नाराजगी अगड़े समाज में रही, आज आपने देखा होगा कि अखिलेश जी को बयान देना पड़ा। अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, हम जो है या तो दलित और पिछड़े को छोड़ करके हम अगड़े को भी जोड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, अगर कोई सुधार भंग हो रही है और अगर 2024 को लेकर के अगर आप सही बात है, सब जो बड़ा होता है उसका बड़ा दिल भी होना चाहिए, सामने कुछ और दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और, तो ये चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ इसमें जो चालक हैं भाई लालू प्रसाद जी, उन्होंने 17 तारीख का निर्धारित कर दिए, उसके बाद देखिए नीतीश जी का भी बयान आ गया, इसके बाद ममता बनर्जी का भी बयान आ गया, और जो सबसे बड़े इसमें ध्रुवीकरण में प्रणेता थे शरद पवार जी महाराष्ट्र से, उनको महाराष्ट्र का बहुत बड़ा विषम पितामह कहा जाता है राजनीति। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य यह था कि समाज में भी ये मैसेज जा रहा था ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और 10 लाख से अधिक वोट पाने के बावजूद ही आपने देखा होगा कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो ये तमाम चीजें जो चीजें हैं, वाम दलों को भी साधने की बात थी, भाई आपके वाम दल आपने सहयोग लिया और जो आपने पिछड़ा वर्ग आंदोलन को धर देने का जो बनाया था प्रोग्राम वो भी आपका कहीं कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाया इसका। कहने का तात्पर्य है कि जाति मजहब धर्म ये तमाम बातें बिल्कुल है, जाति कार्ड का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर जाति को आधार बनाया गया ना, अगर राजस्थान का यहाँ पर जिक्र करें, और ये कार्ड नहीं चला कांग्रेस का, कर्नाटक में जीत हासिल की जिन मुद्दों के आधार पर वो यहाँ पर वो पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आए,
तो ये जीत इस बात को बता रही है। हमारे साथ है गिरधर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका रुख करेंगे। गिरधर जी, क्या कुछ देख पा रहे हैं ये जो, हालांकि आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि कोई मतभेद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 2024 के लिहाज से और विधानसभा के ये जो रिजल्ट सामने आए, इससे कुछ आसार आगे के नजर आ रहे हैं आपको? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। सोनी जी जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं सर जी? हमारी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। गिरधर जी जी, अनम्यूट करिएगा। चुनाव है, सुन पा रहे हैं। हेलो जी, 2024 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर इन 28 दलों में जो आज बातें अलग अलग आ रही है, केजरीवाल जी का अपना अलग मिशन है, आपने देखा होगा, ठीक है, दिल्ली और पंजाब की स्थितियां अलग हो सकती हैं, ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये सवाल मेरा वरिष्ठ पत्रकार से था, राघवेंद्र जी, गिरधर जी का रुख करेंगे। गिरधर जी से मेरा ये सवाल था। अच्छा जी, गिरधर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। गिरधर जी अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको आवाज मिल पा रही है। गिरधर जी, चलिए हैदर जी का रुख कर लेते हैं। हैदर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। हैदर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम नारायण जी का रुख कर लेते हैं। इसके बाद और मेहमानों का रुख करेंगे क्योंकि तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। प्रेम नारायण जी, आगे चूंकि जो मीटिंग रखी गई है, तो अब इस मीटिंग को लेकर ये नीतीश कुमार, एम के स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इस मीटिंग में पहुंचने को लेकर जो संशय था वो फिलहाल अब क्लियर हो गया है कि नहीं पहुंच पाएंगे, अपने अपने कारण हैं। तो अब आगे की 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आपने कर्नाटक में जिन मुद्दों को आधार बनाया और राजस्थान में जिन मुद्दों को आधार बनाया वो फिलहाल फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब 2024 की क्या तैयारी? देखिए, हमारा एक भी मुद्दा या एक भी विषय फ्लॉप 1% नहीं हुआ। राजू जी जब अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस बात को बड़ी गंभीरता से बताया कि हम पूरे चुनाव का, आप जब आंकड़ा निकालेंगे, पूरा देखेंगे, तो पूरे देश की जनता में 5 राज्यों के चुनाव जो संपन्न हुए, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख से अधिक वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। पर अब वो सीटों के अमलीजामा की बात है। अब जहां जनता ने प्यार दिया, हमारे प्रत्याशी जहां बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं 56 वोट से, कहीं 75 वोट से, कहीं 150 वोट से, तो ये था कि वहां जनता जनार्दन कहीं थोड़ा इनका भाग्य का साथ इनको मिल गया, कि जो ठीक है, जो भी है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। लेकिन ये हम कतई नहीं कह सकते, और ना कतई ये इस विषय की बात है कि हमारा मामला फ्लॉप हो गया या हम पीछे हट गए, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के विषयों को लेकर के राजनीति करती है। हम सत्ता में ना थे, ना है, ना होंगे। हम बोलेंगे कि चुनाव का दौर होगा तो हम भाषण देकर के आएंगे कि हम 450 रुपए का सिलेंडर होगा, जिस दिन देगा उस दिन हम 21 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बताए ना, ये कहते हैं कि नहीं ऐसा है, कहीं वैसा, भाई ये बताओ, इनके सामने एक सवाल खड़ा होने वाला है विपक्ष में। देखिए, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से एक है, किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। इंडिया परिवार सशक्त और मजबूत परिवार है, इनके साथ दिक्कत होने वाली है भाई। भारतीय जनता पार्टी के साथी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
बहुत बड़ी स्थिति में इन्होंने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया। जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन लागू कर दी। अब इनके साथ समस्या ये खड़ी होने वाली है, क्या ये पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू कर पाएंगे? ये मुद्दे तो विपक्ष पहले भी उठा रहा था और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपने देखा क्या कुछ आया? जनादेश किसे मिला प्रेम नारायण जी? जनादेश किसे मिला? इन बातों का जिक्र, इन मुद्दों का जिक्र पहले भी विपक्ष ने किया है, कांग्रेस ने, लेकिन जनादेश किसे मिला? भारतीय जनता पार्टी अपने पास जो पैसा होता है ज्यादातर मोदी जी का जो सूट बूट है हर जगह पे मोदी जी को लगाते हैं। राजस्व जो इनके पास बजट होता है उसका 70% 80% पैसा तो इनको प्रचार प्रसार में ही जाना है ना, इनको दिखावे में जाना है, तो वो दिखा रहे हैं। हमारी नैतिकता कभी इस चीज को मान नहीं करते, हम भी ऐलान नहीं कर पाते कि जनता के पैसे को अपने हम ड्रेस सिस्टम में लागू कर दे, प्रचार प्रसार में लागू कर दे। तो उसी का एक कारण है कि हम जनता को अपनी पूरी बातें नहीं बता पाए। हमने अपना पैसा, जनता की मोटी कमाई का पैसा, जनता की खुद पसीना के पैसे को प्रचार प्रसार में दिया, अपने खरबों रुपए जिससे जनता का भला हो सकता था उसको मैंने जाकर दिखाया। लेकिन दिक्कत तो आएगी ना, चलिए आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी की कितनी तैयारी है, देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, इस बात का जवाब लेते हैं, इसके बाद ब्रेक का वक्त हो रहा है, फिलहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद इस बात का जवाब लेते हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं विपक्षी अलायंस में हुए मतभेद को लेकर, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता इस बात को नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं क्योंकि जो सवाल उठाए गए प्रेम नारायण की तरफ से उसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, देवेंद्र यादव जी आपका रुख कर लेते हैं। जनता के पैसे आपने प्रचार प्रसार में इस तरीके से खर्च किए कि जनता इतनी प्रभावित हो गई और आप पूर्ण बहुमत से जीत जाते हैं विधानसभा चुनाव में? देखिए, जैसे कि हमारे साथी का कहना है, वो अपना विपक्ष की भूमिका वो सही से निभा पा रहे हैं, जो आरोप लगाने का काम है उनका वो सही से लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार सरकारें नहीं बनी है और भारतीय जनता पार्टी को सुशासन किस तरीके से करना है ये किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसी प्रचार प्रसार की वजह से ये पूर्ण बहुमत मिला? देखिए, जो एक भाजपा की जो नीतियां हैं, आप भाजपा की नीतियों को देखेंगे, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, एक राष्ट्र की, राष्ट्र प्रेम की एक भावना है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र की बात करती है, किसी व्यक्ति विशेष की या जाति की बात नहीं करती, और जो जनता ने जो इस सब पे जो पूर्ण बहुमत दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर और जो मोदी जी की गारंटी है इसके ऊपर समर्थन मिला है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ देवेंद्र यादव जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको आवाज मिल पा रही है देवेंद्र जी? जी, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, जी बोलता रहूं जी। देवेंद्र जी, माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर शर्मा जी जुड़े हुए हैं। गिरधर शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी गिरधर जी, ये जो इस बीच का ये पूरी बातचीत आप सुन पा रहे होंगे, पक्ष और विपक्ष के जीत के दावे, अब 17 दिसंबर को मीटिंग रखी गई है, कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं वो इस मीटिंग से पहले ही दूरी बना चुके हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? हालांकि प्रेम जी इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई ऐसी तकरार नहीं है। देखिए, जो 6 दिसंबर की जो मीटिंग थी, जो आपका विषय है आज का, उसके बारे उस वहां से शुरू करके मैं 17 तारीख तक की मीटिंग में आऊंगा जी। उस मीटिंग में कहने को तो वो मंथन था कि वो आपस में मंथन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मंथन जब होता है तो उस पार्टी में होता है जो जो पार्टी आपस में मिलकर लड़ रही होती है। बिल्कुल, अगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़ रही थी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी तो उनके बीच में आपस में मंथन कैसे होगा? क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव के बाद मंथन हो सकता है? नहीं हो सकता, आपस में बैठ के तो नहीं हो सकता। तो जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में, तो वो मंथन कैसे करेगी? वो तो आपस में मंथन तो कर सकते हैं आपस में पार्टी में, लेकिन एक दूसरे के साथ
हम चुनाव क्यों लड़े एक दूसरे के खिलाफ, इसमें मंथन नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये मंथन मेरे ख्याल से ये एक मीटिंग ही रही होगी उस चुनाव से संबंधित अलग, जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग आपने कहा कि उसमें लोग नहीं आए, जहाँ उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कोई सूचना नहीं थी, मेरा प्रोग्राम बाहर है, जो उसने अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे को कोई पहले से बहुत ज्यादा अवगत नहीं कराया गया, इसी तरह नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, तो मेरे कहने की शायद वो मीटिंग अभी 6 दिसंबर की जो मीटिंग थी वो संसद से संबंधित जो विधेयक आने थे उससे संबंधित मीटिंग थी, जिसे फ्लोर मीटिंग उनके प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस के। ये तो चैप्टर वहां पर क्लोज हो जाता है कि उस मीटिंग में क्यों नहीं आए लोग, क्योंकि वो फ्लोर मीटिंग जो मेरे हिसाब से फ्लोर मीटिंग थी वैसे ही जो संसद आपस में चर्चा के लिए होती है, वो मंथन मीटिंग भी नहीं थी कि हम चुनाव में कैसे लड़े। हाँ, उसको हाइप ऐसी मिल गई जैसे कि ये एक इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी चाहिए, इसमें लोग नहीं आए। जहां तक मतभेद की बात है, इसको मतभेद तो वास्तव में है, अभी तक तो है, लेकिन मोदी मैजिक ने ऐसा काम करा कि उनको एक होना पड़ेगा मजबूरी में। बिल्कुल एक होना पड़ेगा। और जैसे कि एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि उनके साथ रहना भी मुश्किल, उनके बिना जीना भी मुश्किल, उनसे ही सब कुछ कहना है, जिनसे कुछ कहना भी मुश्किल। तो आपस में आपको कहना भी नहीं है, एक दूसरे के साथ दिल भी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरी एक शब्द है, जो मजबूरी है उसको मजबूरी के साथ इनको एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, और ये आएंगे भी, क्योंकि बिना इसके काम चलेगा नहीं। वोट तो कांग्रेस अच्छा ले गई, 40% के आसपास ले गई, और 40 ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2% का अलग अलग प्रदेशों में फर्क है, इसको मीट आउट किया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और जहां तक भाजपा की जो प्लानिंग है वो ये है कि 50% से ऊपर कैसे वोट को लिया जाए, वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि अगर ये एक भी हो जाए तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी हार ना हो, इसलिए वो 50% से ऊपर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी वोट शेयर जो है, अगर एकजुट हो जाता है बीजेपी तो विपक्ष का वोट ज्यादा है अभी भी। बिल्कुल, ये तो सब मान रहे हैं, ये तो भाजपा भी उसी के लिए प्लानिंग कर रही है कि 50% से ऊपर कैसे सभी राज्यों में हम वोट प्राप्त करें। तो इस पर रणनीति पे काम चल रही है, और जो 17 तारीख की मीटिंग है उसके लिए नीतीश कुमार जी ने कहा हम जरूर आएंगे। नहीं, ये गिरधर जी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, देखा जाए अभी विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा ऐसा नहीं है, सीट को लेकर यहाँ भी चाहे हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे हम राजस्थान का जिक्र करें, आपने देखा होगा भरतपुर सीट से जबकि आरएलडी ने 6 सीटों की जाट क्षेत्र से डिमांड की थी। बिल्कुल, और वहां पर भी ये एक फैक्टर यहाँ पर सामने आ रहा है। और क्या इस मीटिंग में सीट शेयरिंग का मुद्दा प्रभावी रहेगा, उसमें एक सहमति बन पाएगी? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस थोड़ा बड़ा दिल दिखाती और इन चुनावों में मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनावों में अगर वो आरएलडी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई या और अन्य पार्टी हो गई, इनके साथ थोड़ा सा बातचीत कर लेती, थोड़ा सा समय इनको मिल जाता और आपस में, क्योंकि 3 महीने बहुत होता है चुनाव में, किसी भी दिन बैठ के टिकट से पहले अगर बात करती, थोड़ा बड़ा दिल दिखाती तो बहुत अच्छा संदेश जाता, जिसे कहते हैं ना परसेप्शन बन जाना। अगर ये एक होके लड़ते तो हो सकता परसेप्शन कुछ और हो जाता जनता के बीच में, लेकिन ये परसेप्शन ये गया कि ये आपस में लड़ रहे हैं। तो ये परसेप्शन, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उनको फायदा मिला सीटों पे, इसीलिए क्योंकि परसेप्शन बन गया कि ये एक नहीं है। बिल्कुल, और ये एक होके लड़ते, लेकिन अभी भी कोई, चलिए वो कांग्रेस चूंकि वहां पर अपर हैंड था कांग्रेस का, और कांग्रेस चूंकि वहां पर डायरेक्ट फाइट में थी तो उनका अपना बनता था, लेकिन इस तरह से कमलनाथ जी का बयान आया, अखिलेश, तो इस तरह के बयानों से अगर ये बचते, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती जो मेरा कहना है, तो थोड़ी सी जो ये बात है वो कठोरता ना आती। लेकिन बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो किस तरीके से सपा प्रमुख ने बयानबाजी दी, उन्होंने बयान दिया जी, और हार का श्रेय आप विपक्षी अलायंस में है, आपका गठबंधन है, और इस तरीके की बयानबाजी क्या कुछ असर डालेगी इसको लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका पूरी तरीके से कमलनाथ इसके लिए जिम्मेदार हैं, हार का श्रेय उन्हें ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोनी जी मैं एक दूर की कौड़ी की एक बात कह दूं आपसे। जी जी, अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अशोक गहलोत को, अगर आपको याद हो उनका एक बयान था कि मेरी जब सरकार टूटने जा रही थी या जब वो सरकार उन्होंने पिछली बार बनाई थी
तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी हेल्प की थी, उन्होंने उनकी बड़ाई भी की थी और उनको धन्यवाद भी कहा था। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत ने वही कौड़ी वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ फेंक दी है कि अगर आप कुछ विधायक अपनी तरफ जोड़ लेती हैं तो हम आपको समर्थन दे देंगे। अंतर खाने की कौड़ी बता रहा हूं मैं, जो मेरी गलत भी हो सकती है, मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या? पर क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अलग लॉबिंग कर रही है, अलग विधायक की मीटिंग चल रही है, और जहां तक अभी मैंने सुना है कि उनके लड़के जो है कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की बात भी कर रहे हैं, तो इस टाइप की बात से भी है तो दूर की कौड़ी। देखिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरी सोच कह रही है कि हो सकता है कुछ एहसान उतारना चाह रहे हैं अशोक गहलोत जी वसुंधरा राजे। उनके दो फायदे हैं, एक तो वो एहसान उतार देंगे, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देंगे। जो आप प्रेम जी ऐसा कुछ चल रहा है क्या, क्लियर कीजिएगा जरा। नहीं नहीं भाई, ऐसा हमारे हम लोग की ऐसी कोई सोच और ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना ऐसा कुछ चल रहा है। हम लोग इन सब चीजों में यकीन नहीं रखते हैं। हम तो अपने विधायक जो हमारे हैं, जो हमारे जनता ने जितने लोगों को आशीर्वाद दिया है उनके साथ हम अपनी बैठक कर रहे हैं ना। और ऐसा शर्मा जी कह रहे हैं तो हो सकता है शर्मा जी के पास, क्योंकि पत्रकारों का एक, पत्रकार और कवियों का एक ये रहता है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। हो सकता है शर्मा जी कहीं पहुंच गए, ऐसा इनको कुछ लग रहा है, लेकिन हम ना हमारी सोच ऐसी है, हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी कर दिया कि ये पुख्ता तौर पे नहीं है। हैदर अली जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा हैदर अली सपा प्रवक्ता। हैदर अली जी आपको आवाज मिल पा रही है? हैदर अली जी आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। हैदर अली जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार अनम्यूट करें, इसके बाद आपसे मेरा सवाल होगा। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजनीति का विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का भी रुख करेंगे। राजनीति का विश्लेषक राघवेंद्र सिंह राजू जी, 2024 के जो समीकरण हैं, हालांकि इसको लेकर सवाल पहले भी पूछा था, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है सीट शेयरिंग का, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर अगर मत भिन्नता नहीं होती है तो हम बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं। नहीं, उनका अपना जो आइडिया राजी है, नहीं समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है। ममता बनर्जी की जो अपनी आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से वो चल रही है, टीएमसी शुरू से ही जो है बहुत सावधानी में है, क्योंकि 28 दलों को एक साथ लेकर के चलना, अमर अब्दुल्ला जी का एक अभी बयान आया था कि चुनाव घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें चुनाव संकल्प में बीजेपी कांग्रेस ने शामिल की थी, उनको उन्होंने नजरअंदाज किया, हर की बजाय उन्होंने तमाम चीजें और भी रखी। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जैसे तेलंगाना में CPIM को उन्होंने जोड़ा पर CPM को नहीं जोड़ा, तो ये तमाम जो गलतियां हुई है, और खासतौर से मेरा वोटर पर बीजेपी ने बड़ा फोकस किया। आपने देखा होगा कि चाहे छत्तीसगढ़ में मैतारी योजना हो, यहाँ पर उन्होंने देखा होगा महिलाओं के लिए तमाम योजना जो है अपनी महिलाओं के लिए जो किया, लाडली योजना, आज पूरा दिन टीवी पे चैनल पे सारा कुछ यही दिखाते हैं, इतनी लोकप्रियता दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप दूसरे को कुछ देंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कांग्रेस को इतना बड़ा मत मिला, 10 लाख से ज्यादा वोट पाने के बावजूद भी 5 राज्यों में जो उन्होंने हार का देखना पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में, ये बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। ये निश्चित तौर पर है, ये बदलाव की सियासत है, और हिंदी भाषी क्षेत्र की जो राजनीति है, और खासतौर से जो राजनीति वो जो कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो बिहार में तो ठीक है क्षेत्रीय दलों के हिसाब से, यादगिर जनगणना के हिसाब से, लेकिन जहाँ प्रबुद्ध वर्ग है जिनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है वहां पर इनका असर बहुत ज्यादा है, पिछड़े आंदोलन का, ओबीसी का। पर आपने देखा कि सत्ता में हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान के चल रही है भाई, अगला समाज का वोट बैंक हमको अपने आप जो विपक्ष वाले अगले समाज को माने ही नहीं रहे हैं, अगला समाज जाएगा कहाँ? तो ये अगले और पिछड़े के झगड़े में मैं जो समझता हूँ कि जो युवा वर्ग है, आज का युवा 18 साल से लेकर के जो मत का प्रयोग कर रहा है उसको विकास चाहिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने काफी हाईलाइट किया, ये बात अलग थी कि वो महादेव ऐप पर बघेल साहब नहीं भेजा था केंद्र, बिल्कुल
पत्र लिखा था, सब बातें लिखी थी, लेकिन उसको दो साल बाद किस तरीके से बीजेपी ने अपना हथियार बनाया चुनाव का। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो उनके बूथ मैनेजमेंट है और उनका जो आरएसएस का भी बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा 14 करोड़ से ज्यादा, हमारे पत्रकार भाई बता रहे हैं कि राजस्थान में इस तरीके की हलचल है, ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे हैं। भाई शिवराज सिंह को कौन कर रहा, उनकी लोकप्रियता को, डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता को कौन न कर रहा, अनुभवी व्यक्ति है। इसी तरीके से अशोक गहलोत की लोकप्रियता या 50 लाख की वो योजना चिकित्सा के लिए लाए, लेकिन उन्होंने खुद माना कि लाना एक अलग चीज है और ले जाना जनता तक पहुंचना, भाई आप चीज को स्थापित कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कमी रह गई। और मुझे लगता है अभी भी जिस तरीके से विपक्षी अलायंस के बीच मतभिन्नता नजर आ रही है, उसको एक मत होकर मुद्दों को उठाया भी बखूबी विपक्ष ने, लेकिन उस मुद्दों को लेकर जिस बारीकी और जिस रणनीति से उतरना चाहिए था, शायद वो वहां पर चूक रह गई विपक्ष से, और उसी का नतीजा है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है। और यहाँ पर अभी आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, प्रेम जी से एक बार जान लेते हैं। प्रेम जी, देखा जाए, अब 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला, आप जीते तेलंगाना में, आपने जीत हासिल की, और ये जीत बीजेपी की अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक अवसर का काम करने वाली है, तो आगे 2024 को लेकर कितनी तैयारी, क्या रणनीति, और क्या इसी फॉर्मूले पर चलेगी या फॉर्मूला चेंज होगा? जी, क्या कह रहे हैं आप? इसी फॉर्मूले पे चलेंगे जो कि फ्लॉप हो गया, या फिर ये चेंज होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि अब आपके नजरिए से फ्लॉप हो गया, हमारे नजरिए से फ्लॉप नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो केवल कुर्सी की और सिंहासन की विचारधारा नहीं है। ये सिंहासन और सत्ता की विचारधारा वाले लोगों को लग सकता है कि भाई कैसे भी है, नहीं आओ, हमको तो सिंहासन चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिद्धांतों पर, हमेशा वैचारिक जो उनके उद्देश्य है उसके ऊपर कार्य किया है, और हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है। जनता जनार्दन ने जो हमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगभग 11 लाख की जो बढ़त दी है वो हमारे साथ, पहली चीज। दूसरी चीज सीट सेविंग की बात है, जो सीट सेविंग हमने पहले भी कहा कि हमारी जो समितियां बैठेंगी वो काम करेंगी, जनता के मुद्दों को लगा करके जो हम उठाते रहे उनको फिर उठाते रहेंगे, लगातार जारी रखेंगे। अब सोचना भारतीय जनता पार्टी को, मैंने पहले भी कहा, सोचना भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे मैंने एक सिगुफा मार दिया कि चलो काम करते हैं, धुआं में लाठी मार देते हैं, शायद तीर निशाने पर लग जाए हमारा, उसको प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुंचा दिया कि हम राजस्थान में 450 का सिलेंडर देंगे, छत्तीसगढ़ में 500 का सिलेंडर देंगे। अब इनकी सरकार बन गई है तो अब इनके सामने चुनौती है, भाई अब जनता को पहले बताइए कि राजस्थान छत्तीसगढ़ भारतवर्ष का हिस्सा है या अलग है? अगर एक ही है तो फिर उत्तर प्रदेश में आपको 1000 का सिलेंडर 1100 का दे करके राजस्थान में आप 500 का कैसे कर रहे, 450 का कैसे कर रहे, छत्तीसगढ़ में 500 का कैसे कर रहे? क्या अन्य प्रदेशों की जनता से आप शत्रुता रखते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, पुरानी पेंशन की जो हम बात कर रहे थे, अब इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि ये राजस्थान छत्तीसगढ़ से क्या पुरानी पेंशन को समाप्त करेंगे, क्या ये बताएंगे कि ये कर्मचारियों का हित है, उनका सम्मान देखना पसंद नहीं करते, और अगर नहीं हटाएंगे तो फिर ये बताएंगे कि अन्य राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे, क्या उन राज्यों के साथ आपकी मानसिकता में कोई दूषित प्रदूषण है, कोई मानसिकता आपकी दूषित है जो उनका आप भला नहीं कर सकते? रही बात हमारी, हम लगातार, हमारे मुद्दे बेरोजगारी थे, हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार है, हमारा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है, मुद्दा युवाओं के है, उनके साथ जा रहे हैं, उन किसानों के मुद्दे के साथ जा रहे हैं, उनको साथ लेकर के हम आगे आएंगे। आपको बता दें, इसके पहले, इसके 20 साल पहले का आप थोड़ा सा बैक जाइए, 20 साल पहले भी ये हुआ था छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इन्होंने सत्ता पाई थी और ये जीते थे, और उसके बाद में आगामी 2004 का चुनाव था, पार्टी ने आकर के केंद्र में सरकार बनाई थी, और आगे भी ऐसा होगा, आप देखते जाइए।
चलिए आगे भी ऐसा होगा, हालांकि दावे विपक्ष के देखा जाए तो उन्हीं जोश के साथ सामने आते हैं जो कि अभी तक देखने को मिला। आगे ये कितना कारगर साबित होंगे, क्योंकि 2024 के लिहाज से ये विपक्षी अलायंस गठबंधन एक मजबूरी के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि सबकी मंशा सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को हराना है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, जो ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, ये भेदभाव क्यों भाई? देखिए, जैसे कि जो वरिष्ठ पत्रकारों ने सारा स्पष्ट कर दिया, इसमें कहने का विषय नहीं बचता है। प्रेम भाई ने भी कहा है, देखिए हमारे पास जो सरकार है, जो सरकार चलाने का अनुभव है और जो सबके साथ की बात है, सबको जो मोदी जी की गारंटी है, इस पे कहीं भी कोई किसी तरीके का भ्रम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोग बार बार सत्ता में आ रहे हैं और आज जनता ने सभी को नकारा है, केवल मोदी जी की गारंटी के पीछे और मोदी जी के अनुभव के पीछे। मोदी जी पहले 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्रियों की समस्याओं से भी भली प्रकार उनको मालूम है कि केंद्र के बीच में और प्रदेशों के बीच में क्या क्या दिक्कतें आती थी। आज उन सभी समस्याओं को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे का काम कर रही है और जो नौजवानों की जो उम्मीदें थी उस सब पे आज भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उनका काम है अपना तैयारी करें और जो वो कर सकते करें, बाकी भारतीय जनता पार्टी जो भी देश के हित में, राष्ट्र हित में और सबके साथ सबके विकास में, बिल्कुल तभी देखा जाए ठोस रणनीति के तहत, तभी इतना वक्त लग रहा है 3 राज्यों के सीएम के ऐलान को लेकर, क्योंकि सबकी निगाहें बस इसी बात पर अब टिकी हुई हैं। आगे 2024 की तैयारी भी है और उसको लेकर रणनीति बीजेपी की। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार हैदर अली जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हैदर अली जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हैदर अली जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिएगा जी। अभी म्यूट है, अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज आ रही है जी। आप म्यूट हैं, आप आपके माइक पर रेड लाइन है, आप अनम्यूट करिए पहले, अदरवाइज। मैंने अनम्यूट कर दिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। हैदर अली जी, हालांकि काफी देर से संपर्क करने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन फाइनली अब संपर्क हो गया है, तो अंदर खाने की जो ये सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप भी, जीत का क्रेडिट भी कांग्रेस को माना जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो चाहे टीएमसी की तरफ से हो। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या असमंजस है, इस बात को मानते हैं कि यहां पर इसको लेकर मतभेद है? मतभेद नहीं होता है, कई बार जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें असमंजस की स्थिति आती है। उसका स्पष्ट कारण है कि जब सब जानते हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष है, उत्तर प्रदेश का दलित, अगड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद लगाए बैठा है। उसके बावजूद भी जब कांग्रेस से सपा ने गठबंधन किया था तो अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया था। आज जब स्थिति दूसरी तरफ से गठबंधन की आई है तो कांग्रेस अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रही है, इस कारण कुछ असमंजस है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, चूंकि हमें जिस तरीके से अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सबका साथ सबके विकास की वजह से जीते हैं, बल्कि वो सबका साथ सबके विकास की वजह से नहीं, वो झूठ से जीते हैं कि हम 450 का सिलेंडर देंगे, हम 500 का ये देंगे। जी हैदर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, क्या सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी जी, कंटिन्यू। तो जिस समय जनता को इन्होंने जो झूठे जुमले दिए हैं, जब इनकी कलई उतर जाएगी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस समय फिर जनता उत्तर प्रदेश की समझ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी ठगा था, आज भी ठगने का कार्य कर रही है और जनता इनको लोकसभा में सबक सिखाने का कार्य करेगी। लेकिन गठबंधन के लिए कांग्रेस मतलब विपक्षी अलायंस की एक ठोस रणनीति है, यानी कि रणनीति में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं 2024 के लिहाज से? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, जो बड़ा दल है जहां पर वहां पर दूसरे दल को, लेकिन ये संभव कैसे होगा हैदर अली, जब दिल बड़ा नहीं कर रही कांग्रेस तो कैसे संभव होगा? जब बड़ा दिल कांग्रेस नहीं करेगी तब इसी तरीके से चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी अकेले इतनी शक्तिशाली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का कार्य कर सकती है। प्रेम नारायण जी,
इस बात का जवाब आपसे ले लेते हैं, इसके बाद गिरधर शर्मा जी का रुख करेंगे। देखा जाए तो आखिर कांग्रेस दिल बड़ा क्यों नहीं कर पा रही है भाई, और ये विपक्षी अलायंस में जो ये पार्टियां हैं जिनके ये वक्तव्य सामने आते हैं तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। नहीं, कांग्रेस का दिल बड़ा है, हमने पहले भी कहा है कि दिल बड़ा है, और जब बैठक होगी तब सारी समस्याएं, जब बोर्ड बैठेगा, जब हम लोग विधिवत बैठेंगे, लिया परिवार पूरा बैठेगा, इनका समाधान हो जाएगा। देखिए एक चीज होती है, 2024 का चुनाव है, ये विश्व कप है, और इसके पहले जो चुनाव हुए हैं ये छोटे छोटे टूर्नामेंट थे, छोटी छोटी श्रृंखलाएं थी, उसमें लेकिन, सभी बीजेपी के लिए तो ये सेमीफाइनल है 2024 का, एक ट्रेलर है विधानसभा रिजल्ट, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे साथ गिरधर शर्मा जी हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं गिरधर जी आपका जल्दी से। एक तरफ विधानसभा रिजल्ट की जीत के बाद राहुल गांधी का पोस्ट सोशल मीडिया में आता है कि हमारे विचारों की लड़ाई जारी रहेगी, बीजेपी को शुभकामनाएं इस जीत की। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसी से शुरू होता है कि विचारों की ये जीत है, 2024 का भविष्य क्या है। देखिए ये कहावत है कि ठोकर खाकर आदमी संभल कर चलता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो ठोकर खाई है तीन राज्यों में, एक राज्य में जीती है, उसके लिए तो खैर उनको बधाई है कि उन्होंने वो करा, लेकिन जो ठोकर खाई है तीन राज्यों में, खासतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में, इसको मुझे लगता है कि कांग्रेस संभल कर चलेगी, और दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वही स्थिति होगी कि वो इस बार कोई भी गलती करने के स्थिति में है ही नहीं, और ना ही जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनको भी पता है कि बिना कांग्रेस के उनका काम नहीं चलने वाला, तो तालमेल तो होगा, सीटों का बंटवारा भी होगा। बस मुझे एक डर है, एक वो है कि जब तक ये बैठेंगे देर ना हो जाए, मुझे मोदी की, क्योंकि वो हमेशा अप्रयाशित काम करते हैं, ऐसा ना हो कि वो चुनाव बिफोर करा दें और ये मीटिंग भी ना कर पाए और चुनाव अचानक घोषणा हो जाए, ये कुछ भी संभव है। तो इसलिए कांग्रेस को तुरंत जो है देरी नहीं करनी चाहिए लोग, क्योंकि किसी भी देश के लिए विपक्ष का मजबूत होना, बिल्कुल विपक्ष की मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है और ठोस रणनीति भी उतनी ही जरूरी होती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हिंदी भाषी तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत बीजेपी को और इस विधानसभा रिजल्ट को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 2024 का अगर जिक्र करें। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर अगर कहा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और MK स्टालिन, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी या क्या कुछ इस मीटिंग में मंथन किया जाएगा, इस मीटिंग पर अब सबकी नजर है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होने का दावा कर रहा है और लगातार ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये बाजी पलट जाएगी। तो ये बाजी वाकई पलटेगी, किस रणनीति के तहत, ये भी हर कोई जानना चाहेगा। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews India।